Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. एक मिनट आता हूँ, मैं डोमिनो अभी पेडिग्री खा रहा हूँ. Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज क्यों स्टार्ट करते हैं ओप्पो के साथ. ओप्पो A2 स्मार्टफोन जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में. इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्मार्टफोन जल्दी ही ग्लोबली भी लॉन्च हो सकता है बिकॉज ट्रेडमार्क कंपनी ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है. नेवर्थलेस ओप्पो A2 का एक नया लिमिटेड एडिशन वेरियंट लॉन्च होने वाला जल्दी ही. इसका नाम है इवेंजिलियन या फिर इवेंजिलियन करके मैं आपको स्पेलिंग यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ. मेरे को स्पेलिंग तो मेरे को यहाँ पे पता है बट इसको बोलना कैसे मेरे को खुद भी नहीं पता. इवेंजिलियन करके कोई एक नया एडिशन है जो कि बहुत अच्छा लगता है. नाम भले इसका अजीब हो बट दिखने में ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दिस इज हाउ द ओप्पो A2 स्पेशल एडिशन इज गोइंग टू लुक लाइक. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 जो स्मार्टफोन होगा या फिर जो नोट 20 सीरीज होगी, सैडली इनफ ये सबसे पहली सैमसंग गैलेक्सी फ्लैगशिप सीरीज होगी जो कि ऑनलाइन लॉन्च होगी. एंड सैमसंग ने ऑलरेडी इसके बारे में कोरियन सोर्सेज को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी है जो कि कोरिया की अपनी होम ग्रोन वेबसाइट्स वगैरह है जो पब्लिकेशन है उनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज जो होगी, जो नोट 20 सीरीज होगी वो ऑनलाइन ही लॉन्च होगी और आपको एक ऑफलाइन एक अच्छा खासा सेटअप वगैरह इस बार देखने को नहीं मिलेगा विच इज वेरी सैड. बट गिवन द करंट ऑन गोइंग सर्कमस्टांसिस वी कैन नॉट रियली हेल्प मच बिकॉज ये जो 12 बजे वाली आपको टेक्स्ट ऑफ कल से देखनी शुरू हुई थी और आज भी आपको मिल रही है, ये सेकंड टेक्स्ट ऑफ है जो कि आपको 12 बजे दिन को देखने को मिलेगा. सो वी वांट टू रन अ पोल कि आपको ये दो अलग अलग टेक्स्ट ऑफ कैसे लग रहे हैं. डू यू लाइक दिस फीचर और नॉट? डू लेट अस नो इन द पोल सेक्शन अप अबव. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. एंड सैमसंग की जो अपकमिंग गैलेक्सी वॉच होने वाली है, सैम मोबाइल्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसमें एक टाइटेनियम एडिशन भी हमें देखने को मिलेगा. सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गैलेक्सी वॉच होने वाली है और बहुत महंगी वॉच होगी. ऑफ कोर्स अगर ये टाइटेनियम बिल्ड के साथ आएगी तो इट विल बी अ वेरी प्रीमियम स्मार्ट वॉच. आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ. एंड Huawei P40 सीरीज तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है बट इसका जो P40 लाइट 5G वेरिएंट है वो अब GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है. दैट मींस ग्लोबली ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. सैमसंग की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है और 91 मोबाइल्स ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी M31S और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन्स, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें एक 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, ये स्मार्टफोन्स जून में हमें इंडिया में देखने को मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं फूड डिलीवरी सर्विसेज की तरफ. एंड जोमेटो और स्विगी जो कि अभी के लिए इंडिया में लीडिंग फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, ऑफ कोर्स फूड पैंडा एंड बाकी सारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, बट अमेज़न अब ट्राई कर रहा है इन दोनों डिलीवरी सर्विसेज को टेक ऑन करने की. सो अमेज़न ने एक नई अमेज़न फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की जो कि अभी के लिए बेंगलुरु में अवेलेबल है. सो इफ इन केस यू आर लिविंग इन बेंगलुरु, आप अमेज़न फूड डिलीवरी सर्विसेज का एंजॉय का लुत्फ अभी उठा सकते हैं, बट अभी के लिए बाकी की जो स्टेट्स हैं या बाकी की जो सिटीज हैं इंडिया की उनमें ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, बट जल्दी ही आपको अमेज़न की तरफ से ये फूड डिलीवरी सर्विस देखने को आपकी सिटी में मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं एक्सबॉक्स की तरफ. एक बहुत इंटरेस्टिंग लीक निकल के आया है. स्मार्टफोन्स के लीक्स तो बहुत हमें मिलते ही रहते हैं एंड ऑफकोर्स आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू विद लीक्स एंड एवरीथिंग, बट एक्सबॉक्स जो ओरिजिनल एक्सबॉक्स आया था बैक इन 2000s उसका जो एक्सबॉक्स OS था उसका सोर्स कोड अब लीक हो चुका है. जितनी भी सारी उसमें चीजें थी, कर्नल वगैरह जो भी होता है, सारी की सारी फाइल्स अब लीक हो चुकी हैं. द वर्ज ने एक नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है एंड उनका ये कहना है, एंगेजेट करके एक और वेबसाइट है, उन्होंने दोनों ने ही अपने अपने आर्टिकल्स में अपनी अपनी स्टोरीज में ही लिखा कि ज्यादा अभी के लिए उनको नहीं पता कि इसका कितना सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है कि भाई अगर जो लीक जो सोर्स कोड आया उससे बहुत सारे एमुलेटर्स वगैरह बनने में इजी हो जाएगा लोगों को, डेवलपर्स को, एंड बहुत सारी चीजें पायरेसी में हेल्प कर सकती हैं. अभी के लिए उनको नहीं पता कि इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, बट नेवर्थलेस एक्सबॉक्स OS का जो सोर्स कोड था वो अब लीक हो चुका है. आगे बढ़ते हैं गूगल और एप्पल की तरफ. दोनों ही कंपनीज ने मिलकर कोलैबोरेटिवली एक नई ऐप निकाली है जो कि आरोग्य सेतु ऐप जैसी फंक्शनैलिटी लेके लॉन्च होने वाली है. एंड अभी के लिए कुछ कंफर्मेशन नहीं कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगी, बट जो भी ये ऐप आएगी उसमें आपको बहुत हेल्प होगी ट्रैक रखने के लिए कि आपके आगे पीछे अगर कोई बंदा कोई अफेक्टेड है, कोई पेशेंट है, तो उसको आप इजिली लोकेट कर सकते हो एंड आप सेफ रह सकते हो. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थॉट कि आपको टेक्स्टर में ये चीज बतानी चाहिए. आगे बढ़ते हैं N22 की तरफ. N22 ने लेटेस्ट अपना जो परफॉर्मेंस का एक चार्ट था उसको लॉन्च किया या फिर अनवील किया है या फिर रिवील किया है. एंड एक रॉकेट के एक डायग्राम, एक इन्फोग्राफिक में हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं
एंड इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू अगर आप एक स्मार्टफोन को जस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे परचेज करना चाहते हैं तो आपको हेल्प हो सकती है. एंड ऑफकोर्स विदाउट एनी सरप्राइजेज यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ने टॉप किया है. दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सिनोस 990. तीसरे नंबर पे इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपको डायमेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट देखने को मिल रहा है. उसके बाद चौथे नंबर पे पिछले साल का 855 प्लस जो प्रोसेसर था वो देखने को मिल रहा है. सो ये जो तीन प्रोसेसर हैं अभी के लिए वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मिंग यू नो प्रोसेसर्स हैं एज फार एज एंटूटू इज कंसर्न्ड. आगे बढ़ते हैं एंड्रॉइड टीवी की तरफ. एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट कि स्मार्ट टीवीज में एंड्रॉइड टीवी जो ओएस है वो बहुत पॉपुलर है. एंड बहुत सारे लोग अगर स्मार्ट टीवीज लेना चाहेंगे तो ऑफकोर्स दे वुड वांट देयर पर्टिकुलर स्मार्ट टीवी टू रन ऑन एंड्रॉइड टीवी ओएस. रियलमी टीवी फॉर दैट मैटर इज गोइंग टू रन ऑन एंड्रॉइड टीवी ओएस. रियलमी टीवी की हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं एंड्रॉइड टीवी की. एंड एंड्रॉइड टीवी आपको पहले से ही अगर आपने कुछ ऑडियो वगैरह अपने स्मार्टफोन से कास्ट करनी है यूजिंग क्रोम कास्ट अपने टीवी पे, इस चीज की फंक्शनैलिटी तो देता ही देता था. बट प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आपने अभी यू नो ऑडियो कास्ट कर रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हो और अगर आप और कोई चीज खोलते हो तो वो सॉन्ग प्ले होना बंद हो जाता था. बट अब एंड्रॉइड टीवी का एक नया अपडेट आया जिसके थ्रू अगर आप गाना चला के बाकी की सारी एप्स वगैरह को यूज करना चाहते हो अपने टीवी पे, आप कर सकते हो. गाना आपका प्लेबैक होना बंद नहीं करेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन. बिकॉज ये जब हम एंड्रॉइड टीवी पे यूज करते थे ये फीचर तो एक बहुत प्रिमिटिव फीलिंग आती थी. एंड दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट माई एक्सबॉक्स एज वेल. एक्सबॉक्स पे अगर मैं कई बार वो स्पॉटिफाई चला के बैकग्राउंड में और कुछ और करना चाहता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो एंड्रॉइड टीवी अगर आप यूज कर रहे हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. आगे बढ़ते हैं रिलायंस जियो की तरफ. रिलायंस जियो ने अपने नए 151, 201 और 251 रुपीस के एड ऑन पैक्स को अनवील कर दिया. इनकी बेनिफिट्स, वैलिडिटी और टॉक टाइम वगैरह जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं Xiaomi के अपकमिंग इवेंट की तरफ. एंड यस, 26th ऑफ मई को लॉन्च होने वाले चाइना में Redmi 10X सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स, जिसमें दो स्मार्टफोन तो होंगे ही होंगे, Redmi 10X 5G और Redmi 10X 4G. Redmi 10X 4G जो होगा वो इट्स नथिंग बट द Redmi Note 9 स्मार्टफोन जो कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है. सो Redmi 10X 5G के बारे में कुछ नई कंफर्मेशन निकल के आई है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा. इसमें आपको एक AMOLED पैनल देखने को मिलेगा. जो नए MIUI 12 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर्स आए थे उसकी एक वीडियो कंपनी ने प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया है वीवो पे. दैट मींस Redmi 10X 5G में हमें हो सकता है MIUI 12 देखने को मिल जाए, which is going to be a very good thing because it's a very new smartphone. और इट अगेन मेक सेंस बिकॉज एक नया स्मार्टफोन है, Xiaomi ने MIUI 12 अभी लॉन्च किया है, तो आपको मेजोरिटी ऑफ चांसेस आर कि आपको Redmi 10X 5G में MIUI 12 देखने को मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ. एंड जो मोटोरोला ने अभी एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया था, मोटो रेजर 2019 इंडिया में लॉन्च हुआ था, 1,25,000 के आसपास इसका प्राइस था. अब उसका सक्सेसर भी आने वाला है. सो अगर आपके जो आपने पैसे इसमें बच गए थे उसके बाद आपने लिया था स्मार्टफोन मोटोरोला एज प्लस, अब जो उसके बाद भी जो पैसे बचे थे आप उससे मोटोरोला रेजर 2020 खरीद सकते हैं बिकॉज आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग. मोटोरोला ने बहुत सारे बजट स्मार्टफोन्स लेटली लॉन्च किए. एंड अभी मोटोरोला के एक कंपनी के कुछ ऑफिशियल हैं, उन्होंने ब्राजील में एक पॉडकास्ट में रिप्लाई किया कि वो कह रहे हैं कि मोटोरोला का जो अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो आपको 2020 में ही देखने को मिल जाएगा बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजी से मिस आउट करें. प्रोसेसर की बात कीजिए तो पिछले वाले में तो बहुत अच्छा प्रोसेसर था, इस वाले में देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें, क्या नई टेक्नोलॉजी मोटोरोला लेके आता है. जो भी होगा आई एम प्रीटी श्योर कि पूरे के पूरे स्टेब्लिशिंग आर्मी के लोग इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को परचेज करना ही चाहेंगे. आगे बढ़ते हैं Redmi Book की तरफ. एंड यस, Redmi 10X 5G और Redmi 10X 4G स्मार्टफोन जो कि Redmi Note 9 ही होने वाला है, इनके साथ आपको Redmi Book भी देखने को मिल जाएगी. सुबह की टेक न्यूज है. कल की टेक स्टफ मैंने आपको बता ही दिया था कि यार Redmi Book भी लॉन्च होने वाली है Redmi 10X के साथ. और Redmi 10X की आज कुछ स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक 16.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद मोर देन 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो. और बेजल इसके बहुत थिन हो गए, 3.26mm के इसके बेजल की थिकनेस होगी एंड 100% sRGB कलर गैमट आपको देखने को मिलेगा. सो Redmi Book जो है अपकमिंग आने वाली है, उसके कुछ लाइव शॉट्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. दिस इज हाउ द अपकमिंग Redmi Book इज गोइंग टू लुक लाइक. आगे बढ़ते हैं ट्विटर की तरफ. एंड यस, ट्विटर इज माय होम, ट्विटर इज काइंड ऑफ माय ब्रेड एंड बटर. एंड ट्विटर में एक नया फीचर आ रहा है, ट्विटर उसको टेस्ट कर रहा है कि आप यार अपने जो ट्वीट्स पे रिप्लाईज होती हैं उनको आप लिमिट कर सकते हो कि यार आपकी मर्जी है. यू कैन लिमिट इट टू द पीपल हु फॉलो यू, यू कैन लिमिट इट टू द पीपल यू आर मेंशनिंग इन द पर्टिकुलर ट्वीट एंड देर आर सर्टन अदर थिंग्स. और अभी के लिए मेरे को ये फीचर देखने को नहीं मिला है. इन एनी केस मेरे को ये फीचर मिल भी जाएगा तो मैं इसको यूज प्रोबेबली नहीं करूंगा बिकॉज यू नो मेरा जो ट्विटर है वो हमेशा सबके लिए ओपन रहेगा. हेटर्स लवर्स लाइक एंड स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा कि यार आप रिप्लाई वगैरह नहीं कर पा रहे मेरे ट्वीट पे. तो मेरी तरफ से तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा. बट स्टिल इफ इन केस यू आर वन पर्सन जिसको बहुत सारे रिप्लाईज वगैरह आते हैं आपके ट्वीट में एंड यू प्रोबेबली डोंट वॉन्ट दैट, अगर आप किसी भी तरीके से फिल्टर वगैरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ कुछ लोग अभी
एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर रहे थे, तो मैंने देखा कि जो अगर आप रीट्वीट करते हो विद कमेंट, वो जो काउंट है वो भी आपको ट्विटर में आप देखने को मिल जाएगा। सो आपकी जो एंगेजमेंट अलग अलग तरीके से हो रही है ट्विटर पे, उसको ट्विटर आप ब्रॉडन अप करके आपको दिखाने वाला है। और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। और आज तो कमाल हो गया यार, जो स्विचेस हो रहे हैं यहाँ पे, रोल्स वगैरह स्विच होते जा रहे हैं। लीकर जो था वो यूट्यूबर बनता जा रहा है, और यूट्यूबर बनता जा रहा है लीकर, जो भी है। नेवरदलेस दोनों की ही यहाँ पे जो हमारी यू नो बॉन्डिंग है, आई बिलीव एंड आई होप कि हमेशा ऐसे ही चलती रहे। टेक्नो रुहेज ने आज आई बिलीव एक बहुत अच्छा लीक किया, एंड इट मेक्स सेंस। रुहेज ने मेरे को हर वीडियो में जब भी मैं कुछ लीक करता हूँ क्रेडिट दिया, सो आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग क्रेडिट टू रुहेज। रुहेज ने हैशटैग रुहेज लीक्स करके रियलमी का जो अपकमिंग टीवी है उसका रिमोट लीक कर दिया, एंड दिस इज व्हाट द अपकमिंग रियलमी टीवीज रिमोट इज गोइंग टू लुक लाइक। नेटफ्लिक्स का एक बटन जो है बहुत कूल लग रहा है, इट्स स्टैंडिंग आउट, एंड उसके अलावा आपको जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनके यू नो डिफॉल्ट बटन वगैरह वहां पे देखने को मिलेंगे। अब रियलमी टीवी कैसा परफॉर्म करता है ये तो हमें 25th ऑफ मे को ही पता चलेगा, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट रुहेज फॉर दिस लीक। एंड पर्सनली मैं आज उनको यू नो बात करूंगा मैसेज शाम को कि भाई आपको कैसा लगा लीक करके। यूजुअली वो लीक नहीं करते हैं, ही इज मोर ऑफ अ यूट्यूबर, बट समटाइम्स अच्छा लगता है रोल्स वगैरह चेंज करने में। सो आज की जो न्यूज हमारी तरफ से आ रही है वो उसका क्रेडिट रुहेज को। वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। रवि तिवारी कह रहे हैं 12 और 6 भाई 3 बजे भी टेक्स्ट स्टफ का एक एपिसोड आना चाहिए। मेक मी कमेंटेटर ऑफ द डे गाइस #stufflistings#stufflistingsarmy कमेंटेटर ऑफ द डे आप नहीं बन पाए, बट स्टिल आपका कमेंट मैंने पिक कर लिया। एंड 12 से 6 3 ये बहुत अच्छा आपने मेरे को कॉन्सेप्ट दिया। पहले मूवीज का ही सिस्टम होता था 9 से 12, 12 से 3 वो जो 2 से 3, तो आगे चल के अगर यू नो भगवान करे हमारा चैनल इंक्रीज कर जाए, ग्रो कर जाए, और अगर आप लोग सारे साथ में सपोर्ट रखोगे तो यार आपको 3-3 टेक्स्ट स्टफ भी देखने को मिल जाएंगे फॉर माई सेक। वीडियो में जो कंटेंट है उसकी कमी आपको मैं कभी नहीं आने दूंगा। यस क्वालिटी के अभी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, डीएसएलआर वगैरह नहीं है, वो सारा कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, बट अभी के लिए ये स्टे रेस्ट अश्योर्ड। अगर आपको 2 टेक्स्ट भी देखने को मिल रहे हैं तो आपको कॉन्टेंट ना तो रेपिटेशन देखने को मिलेगी ना ही कमी देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको कहा था कल के टेक्स्ट में यार कि मैं हम 2 इसलिए बना रहे हैं कि वीडियो थोड़ी सी छोटी बन जाए, फिर भी 15 मिनट की आपको वीडियो मैंने चिपकाई दी, तो आपको कॉन्टेंट हमेशा पूरा तरीके से मिलेगा, बट हो सकता है 2 की हम आगे टेक्स्ट 3 भी कर दें। एंड एज ऑफ नाउ जितने भी लोग आपको टेक न्यूज प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ही है जो आपको मेरे हिसाब से दिन में 2 टेक न्यूज दे रहे हैं। सो इफ इन केस यू लाइक आवर एफर्ट प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड जितना भी शेयर कर सकते हैं प्लीज डू दैट। सिद्धार्थ शंकर कह रहे हैं भाई आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज हेलुसिनेटिंग और नॉट अबाउट टेक्स्ट वीडियो लाइव राइट नाउ। नो यू आर नॉट हेलुसिनेटिंग ब्रदर, आपको कल भी ये हेलुसिनेशन देखने को मिलेंगे। एंड आगे जितने भी दिन हमें लग रहा है कि यार कंटेंट ज्यादा हो रहा है एक टेक्स्ट में हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, आपको 2 टेक्स्ट देखने को मिलते ही रहेंगे। मल्टी राज आगे कह रहे हैं ओ भाई मारो मुझे मारो, अदर यूट्यूबर्स वी अपलोड टेक न्यूज फास्टर देन एवर 6:30 PM मुकुल शर्मा आई एम हियर एट 12 noon। यही देखने को मिलेगा, तुम्हें यही चाहिए हमें, ठीक है ना? तो 6:30 करोगे तुम, 6 कर लो, मैं 5:30 कर दूंगा। इट्स एन ओपन चैलेंज। जितने बजे आपके ये जो स्केड्यूल वगैरह चेंज हो रहे हैं, स्केड्यूल चेंज सबको पता है क्यों हो रहे हैं। 5 बजे करोगे मैं आपको 4 बजे न्यूज दे दूंगा, एंड अगर रात को 4 बजे करोगे मैं आपको रात को 3 बजे न्यूज दे दूंगा। टेक्स्ट आपको सबसे पहले मेरे से ही मिलेगी, ये मेरा वादा है। वीडियो खत्म करने से पहले कमेंटेटर ऑफ द डे पढ़ लेते हैं। टी बोले तो टेक, वाह, टी बोले तो टेक ने कहा कि टेक स्टफ है या गेम एंड TWS स्टफ प्लीज मेक दिस कमेंट ऑफ द डे, और वो कमेंटेटर ऑफ द डे बन गए बिकॉज उनको बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया। अब ये मैं देख रहा हूं यार बहुत सारे लोग अपने ही अकाउंट्स बना के अपने आप को ही लाइक कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को पूरे 100% तरीके से अप्रूव करता हूं। जितने जुगाड़ लगा सकते हो लगाओ, जितने लाइक ले सकते हो आपने कमेंट में लो, आपको कमेंटेटर ऑफ द डे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। So there you go guys, ये थी आपकी सुबह की टेक न्यूज़, शाम की टेक न्यूज़ भी आपके पास आ जाएगी 6 बजे। Stay tuned for that. If in case you have still not subscribed to Stuff Listings, do so right away. God bless you all. Peace. अभी के लिए आपको भी पता होगा कि Netflix, Zomato, मुंह से निकल गया क्या करूँ? मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। Zomato क्या करूं मैं? ओके उसमें मैंने वीडियो को तुम करें पहले क्या करके बोल रहा।